अगर आप YouTube पर सर्च कर रहे हो कि बटर चिकन कैसे बनाते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। तो बटर चिकन बनाने के लिए आपको एक बर्तन में 5 टेबल स्पून कर्ड ऐड कर लेना है। हमने यहाँ पर होममेड कर्ड ऐड किया है। अगर आपको होममेड कर्ड का रेसिपी चाहिए तो आप शाजदीन किचन में जाके देख सकते हो। तो आफ्टर एडिंग आवर 5 टेबल स्पून कर्ड यू शुड ऐड 1.5 टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टी स्पून सौंफ पाउडर, 1.5 टी स्पून चिल्ली पाउडर एंड 1/2 टी स्पून जीरा पाउडर एंड ऐड सम लिटिल बिट ऑफ कसूरी मेथी। बाद में आपको थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड करके इसके ऊपर थोड़ा सा विनेगर ऐड कर लेना है। देन यू हैव टू मिक्स इट वेल। को आपको तब तक मिक्स करते रहना है जब तक इसका कलर भी ना चेंज हो जाए और इसका टेक्सचर भी। देन वी गोना ऐड चिकन। सो हियर वी यूज्ड 1 केजी चिकन। इफ योर क्वांटिटी इज मोर और लेस यू कैन ऐड इट। देन मिक्स इट वेल। को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको चिकन को 2 आवर तक रेस्ट करने के लिए रखना है। अगर ज्यादा रखते हो तो ठीक है। ये हमें एक पैन में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके इसपे हमको चिकन ऐड करके इसको स्लोली फ्राई करना है, यानी कि इसको शैलो फ्राई करना है। अभी हम इसके ऊपर एक ढक्कन डाल के इसको स्लोली फ्राई करेंगे। अभी हम फ्राई करने के बाद इसको एक स्मोकी फ्लेवर देंगे। इसके लिए आपको ऐसे चेन वाला एक बर्तन ले लेना है और उसमें हमारे चिकन को ऐड करके उसको ऐसे ऐसे फ्राई करके उसको मिक्स करके रहना है। इसको जलाना नहीं है, इसको स्लोली मतलब थोड़ा स्मोकी फ्लेवर ऐड कर लेना है। बाद में हमें एक बर्तन में बहुत सारा बटर ऐड कर लेना है, ऑयल भी ऐड करना है और बटर थोड़ा बहुत ज़रा ऐड करना है। बाद में 3 ऑनियन ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अभी हम इसमें 2 ग्रीन चिल्ली, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर और बस 2 टोमेटो ये ऐड करना। ज़्यादा लगे तो ये खट्टा बन जाएगा। तो थोड़ा सा कोरिएंडर स्टेम ऐड करके इसके ऊपर थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें आपको 20 से 25 काजू ऐड करके, अगर आपको चाहो तो आप बेबी काजू भी ऐड कर सकते हो। बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा वाटर ऐड करके 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंफ पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून चिल्ली पाउडर ऐड करके आपको इसके ऊपर चिल्ली पेस्ट ऐड कर लेना है। बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करके थोड़ा सा बॉइल भी कर लेना। अभी हमारा टेक्सचर रेडी हो चुका है। अभी हम इस सारे ग्रेवी को एक मिक्सी ग्राइंडर में ऐड करके इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, यानी कि इसका पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट बनाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको अच्छे से पेस्ट करना वरना करी उतना अच्छा नहीं बन जाएगा। बाद में इन सारे पेस्ट को हमें एक स्ट्रेनर में ऐड करके इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। अभी हम एक बड़े से कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके उसके ऊपर हम बहुत सारा बटर ऐड कर लेंगे। बाद में उसके ऊपर हमारे ग्रेवी को ऐड करके हमारा जो फ्राइड चिकन है उसको हम ग्रेवी में ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बाद में आपको एक छोटा सा बर्तन लेके करी के बीच में ऐड करके आपको हीटेड कोयला लेना है, यानी कि गरम गरम कोयला ऐड करके उसके ऊपर थोड़ा सा बटर ऐड करके उसको स्मोक कर लेना है। उसको अच्छे से स्मोक करने के बाद हमें उस करी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके ऊपर क्रीम भी ऐड कर सकते हो या काजू का पेस्ट भी। अभी हमारी रेसिपी रेडी है गाइस। लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना शाजदीन किचन को। बाय बाय।